Hello, hello people, good morning, welcome to the new day. अंधेरा देख रहे हो कितना हो रहा है अभी, सारे छः होने वाले हैं पर अंधेरा ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो दबा के अंधेरा है और बढ़िया ठंड हो रही है और यहाँ सड़कों पर पड़ा है पानी, मतलब कि रात में हुई है बारिश, गजब गजब गजब। चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन, बने रहिए इस व्लॉग में। ये मेरे को अपडेट और इम्पोर्टेंट, मैं भूल गया हूँ अपना कार्ड, इटैलियंस कार्ड जो टैप करते हैं वो कार्ड भूल गया मैं घर पे अपने, और अब जब कंट्रोलर आया, जब चेकिंग करने वाला आया तो मैं उसके सामने ही बाहर उतर गया। बाहर तो उतर गया पर अब दूसरी बस पकड़ ली है, अब दूसरी बस पकड़ तो दी है मैंने, पर ये कि वो आगे कहीं खड़ा हो तो उसके दोबारा बस मैं घुस गया इस बस, क्योंकि वो ज़्यादातर चेक करके आगे किसी और बस स्टॉप पर उतर जाता है, फिर वहाँ से दूसरी बस नहीं जाते हैं, तो आगे चल के वो दोबारा बस में ना घुस जाए, मतलब वही मेरे सामने उतरता ही फिर आ गया। यार ये बड़ा नाटक हो गया सोच, अब ऐसे ही करता हूँ चुप चुप आगे पहुँचूंगा ऑफिस, ये मेरा कार्ड ही नहीं है यार, और सुबह सुबह ऑफिस मिलेगा भी नहीं खरीदने के लिए। चलो तो भाई टीटी तो नहीं आया चेक करने, यहाँ जो है वो कंट्रोलर बन रहा है उसको, वो तो चेक करने नहीं आया, बस स्टॉप पर कहीं घुसा हुआ है, आगे के बस स्टॉप पे देखते हैं, दो बस स्टॉप और बचे हुए, उन दो बस स्टॉप में ना आ जाए फिर उतर के भागना पड़ेगा। भैया पहुँच गए हम ऑफिस, थैंकफुली कोई नहीं मिली मेरे को, कंट्रोलर या कंट्रोलर आ बाय बाय, मिलते हैं आपसे शाम को। और इसमें दो मिनट के टाइम में फटाफट देखना है कि मार्केट का क्या हिसाब किताब है, उस हिसाब से मुझे फटाफट अपने ट्रेड्स करने और मुझे भागना है अपने काम पे दोबारा। तो पॉली क्या निकल गया बहुत सही, 6% 9% का इसको निकालो और पॉली कैप को बेचेंगे पॉली कैप में प्रॉफिट आ गया भाई 1500 रुपये के आसपास का, और 25 शेयर इसके बेचने यार मुझे, बैंक डीज भागा हुआ है आज, बैंक निफ्टी बैंक भागा हुआ है, उसको बेचेंगे बेचते हैं 25 बेच देते हैं, 25 शेयर इसको बेच दिया, सही है, डन है मामला, सेट है भाई। ये है सैंडविच जो हमारे ऑफिस में मिलता है, इस सैंडविच में रख लूँ मैं यहाँ रख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस सैंडविच में इसको कहते हैं पोलर ब्रेड, क्योंकि ये इतनी मोटी है, फ्लफी है और इसमें पोलर बेयर जैसी लगती होगी शायद, इसलिए पोलर ब्रेड कहते हैं। उसके अंदर देखो तो आप सैंडविच में क्या है, चिकन है और चीज़ है और कुछ म्यूनिस है, दैट्स इट, और ये पत्ते हैं बस, ये है सैंडविच, दैट्स इट, इसको खा के पेट भरो। वो वही आज की मेहनत मजदूरी, अब लौट रहे हैं घर, और मैं लौटते वक्ते बस यही सोच रहा था अभी कि कुछ तो पता जिंदगी अपना पता जिंदगी, कुछ तो पता जिंदगी अपना पता जिंदगी। चलो वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। Thank you.
भाई हो गया आज का दिन खत्म, कुछ नहीं किया आज, बस काम किया है, नौकरी की है, जिम गए हैं, घर आए हैं, अब खाना बनाना है और क्या सोएंगे, कुछ खास नहीं है आज, आज का दिन कोई प्रोडक्टिव नहीं है। काम तो करते ही रहते हैं यार, काम तो सबको चलता ही रहता है, काम के अलावा कुछ नहीं किया इस बात का दोष। चलो अब बन रही अंडे की भुजिया हमारी, इतनी रात में कितना हो रहा है टाइम देखो, 10 बज रहा होगा, हाँ 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, 10:30 10:30 बजे भाई अंडे की भुजिया बन रही है, फिर ब्रेड सेकेंगे और कब खाना खाएंगे, अब कब जाएंगे, कब सोएंगे। तो गाइस हो गया आज का दिन ख़त्म ऑलमोस्ट, और खा लिया है खाना, खाना में हमने खाया है अंडे की भुजिया और पैक कर लिए कल सुबह के लिए, क्योंकि कल ऑफिस जाना है, तो भैया उसकी टेंशन बहुत रहती है यार कि कल सुबह ऑफिस लेके जाना है खाना, तो वो खाना वहाँ ज़रूर होना चाहिए, वरना फिर वही है कि सैंडविच सैंडविच खाओ जो मैंने आपको दिखाया ही है, इतना बर्थ नहीं होता वो। फिलहाल हमने चाय भी बनाई है, तो भाई चाय चल रही है, खाना खा लिया है, और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको, पढ़ कह रहा हूँ। तो भाई ये है इनकी इनकी यहाँ की वो वेबसाइट delphi.lv, तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है, अगर पढ़ना है लातिमा के बारे में, तो आपको delphi.lv में मिल जाएगा, पता है कोई बात, delphi.lv में मिल जाएगा सारे, ये एक्चुअली न्यूज़ इनकी वेबसाइट है, हाँ। तो इससे क्या हो सकता है कि आपको लैथुएन सीखनी है तो लैथुएन सीखने को मिल जाएगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं फुर्सत मिले तो कोई लैथुएन आर्टिकल पढ़ लूँ बैठ के, आर्टिकल पढ़ के समझ में नहीं आता ज़्यादा अच्छे से, पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखो अगर आप ये करो बैगलियम बूशोद ग्रूती, ग्रूती मतलब होता है डिफ़िकल्ट, तो ऐसे ऐसे आपको नए नए वर्ड याद हो जाएंगे। पेच मतलब होता है आफ्टर, ठीक है, बिफोर के अगर बोलोगे तो आप बोलोगे पिरमा बिफोर होता है, पेच आफ्टर होता है, पेश ऐसे करके बोलते हैं लोग। दिव्यम गादियम मतलब कि 2 साल, आफ्टर 2 ईयर्स, दिव्य मतलब 2 और गादियम मतलब 2 साल। तो ऐसे यार आप पढ़ते रहोगे थोड़ा थोड़ा, बस धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी और आपकी लैंग्वेज भी सीख लोगे आप। तो यार ये रोज़ करना पड़ता है कुछ ना कुछ, आपको रोज़ अपने अपनी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें अपडेट करते रहो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में अपडेट करते रहो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे वो कंपाउंड होती जाएगी, और आप कब सीख जाओगे अच्छी सी लैंग्वेज पता नहीं, तो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वो डालना तो ज़्यादा आपको बड़े हेडक नहीं लगेगा कभी। That's it। और ये आज तो भैया देख रहे हैं विजय रिया व्लॉग, ये लातिमिया में बैठ के देख रहे हैं कि उस झारखंड के एक गाँव में वो लड़का क्या बना रहा है उसमें चूल्हे पे, देख रहे हो आप, ये जमाना है। चलिए क्या मिलते हैं आपसे अगले दिन, That's it for this day। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मैं इंस्पायर कर पाया हूँ, मोटिवेट कर पाया हूँ, और कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला आपके इस व्लॉग से। मिलते हैं आपसे कल, आज कुछ खास काम नहीं हुआ यार, इस बात का दुख है मेरे को, आज बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, कुछ नया कुछ काम नहीं किया पढ़ाई के अलावा, पर मतलब ऑफिस के अलावा, पर कोई कभी कभी ऐसा दिन भी आता है। बाय।